हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ व्हाइट टोन क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ। और हम इससे पहले मैंने व्हाइट टोन पाउडर का भी रिव्यू किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज उसको चेक कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं व्हाइट टोन क्रीम। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड के उसमें। एंड फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट टोन क्रीम है ये हमें सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर देती है और इंस्टेंट फेयरनेस भी देती है। तो चलिए इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। इसके बाद में इसकी पैकेजिंग एक ट्यूब में है, इसे ओपन करके देख लेते हैं। इस तरह की कुछ ट्यूब मिल जाती है आपको। और फ्रेंड्स, ये आपको 48 रुपीज में मिल जाएगी। और मैं अब आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको ओपन करना है और इसका टेक्सचर कुछ इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये कुछ लाइट पिंक कलर में है और अब मैं इसको आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। इसको आपको ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, थोड़ी ही अमाउंट में ये आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयरनेस देगी। और ये ज्यादा थिक भी नहीं है और ज्यादा रनी टाइप की भी नहीं है। ये इसकी जिसका कुछ लाइट पिंकिश कलर है और इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको अपने हैंड में डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, जल्दी से इंस्टेंटली आपके उसमें हो जाएगी एब्जॉर्ब। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ग्लो भी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन में। एंड फ्रेंड्स, ये आपको कुछ घंटों के लिए फेयरनेस तो देगी, इंस्टेंट फेयरनेस देती है ये आपको। एंड ये आपको परमानेंटली फेयरनेस नहीं देगी ये क्रीम। इसके साथ में ये क्रीम आपके फेस को हाइड्रेट करेगी। और कोई फ्रेंड्स, इसके साथ में ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, पर कितना सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। एंड इसको क्रीम को लगाने के बाद में आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इसमें मेंशन है कि ये सनस्क्रीन इसमें प्रोवाइड है, सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ में ये अच्छी प्राइस भी अफोर्डेबल है। आप इसको ट्रेवल फ्रेंडली, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप में है और इसे मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी प्राइस और ये फ्रेंड्स, मेरी जैसे कि मैंने इसे यूज़ किया, तो जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे इसको यूज़ करने के बाद में मेरे फेस पे, मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ फेस वॉश करके, तो ये मेरे फेस पे जो ऑयल रहता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है और इंस्टेंट फेयरनेस भी प्रोवाइड करती है। और इसका कवरेज 2 से 3 आवर्स तक का है, सारा दिन ये आपको कवरेज नहीं देती। एंड फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद में मेरे चेहरे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई पिंपल्स है, या ना कोई मुझे ऐसा कोई एलर्जी या कोई स्किन प्रॉब्लम हुई हो इसको लगाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे लगाया और आप भी इसे 100% श्योर होके लगा सकते हैं। हाँ, इसमें पैराबिन है और काफी सारे केमिकल भी है। अगर आप पैराबिन से आपको कोई प्रॉब्लम है आपको उससे प्रोडक्ट से, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अच्छी क्रीम है, आप इसे डेली यूज कर सकते और इसे यूज करने के बाद में आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो हो जाता है, थोड़ी डार्क स्पॉट भी कम हो जाएंगे। और अच्छी क्रीम है, बजट फ्रेंडली है। और अगर आप कोई ऐसी क्रीम ढूंढ रहे हैं जो आपके स्किन को बिल्कुल वाइट सा नहीं करती है, ये जैसे कि नॉर्मली फेयरनेस क्रीम जो होती है वो हमारी स्किन को वाइट कर देती, पर ये हमारी स्किन को वाइट नहीं करती, पर थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगी और आपकी स्किन को हाइड्रेट करती, स्मूथ करती और आपके चेहरे पे आपको लाइट सा फील होगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये क्रीम। और आप चाहे तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। और ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और पास में ही बने बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।